गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आ जाएं, क्लास का समय हो गया है, जुड़ते चलें, शुरू करते क्लास। आ जाएं, एक मिनट में जुड़ते चलें सभी छात्र। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आ जाए, सभी लोग दौड़ते हुए आए तेजी के साथ में। चलेगा, शुरू करते हैं। स्वागत है सभी का। देखें कल की क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें रही करंट अफेयर्स को लेकर के, तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करें कहां से, तो आपके सामने एक पॉइंट दिख रहा है, आईसीसी में अभी हाल ही रैंकिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चेंजेस आया है, और ये चेंजेस हमें दोस्तों याद रखना है कि T20 को लेकर आया है। T20 में फिर से आपका देश अर्थात भारत की टीम द्वारा से नंबर एक की पोजीशन हासिल कर चुकी है। तो आप याद रखेंगे T20 में पुरुष की टीम में फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी टीम है, पहले स्थान पर कौन सी टीम है, तो आपकी इंडिया। फर्स्ट इन द लेटेस्ट आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग, आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। अब हमसे पूछेगा आईसीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर कर देंगे 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछेगा तो आंसर दुबई कर देंगे। वही आईसीसी के चेयरमैन है वर्तमान में ग्रेग वार्कले, और इसके सीईओ कौन है, जियोफ एरार्डिस। कौन है, जियोफ एरार्डिस। ये इतनी सी बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो अगला पॉइंट हम यहाँ से याद रखेंगे क्या कह रहा है, तो सुनते हैं जरा ध्यान से। अगला पॉइंट अपने पास है, और ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आंसर कर देंगे 4 मई। क्या कर देंगे दोस्तों, 4 मई को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात हमें याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, वेस्ट इंडीज के वनडे और T20, वनडे और T20 के नए कैप्टन कौन बने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से परिचित है, निकोलस पूरन को बनाया गया है। तो वनडे और T20 के नए कैप्टन साहब कौन बने हैं, निकोलस पूरन को बनाया गया है। इंपोर्टेंट रहेगा स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से, तो आप यहां से याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगली एक स्कीम है, और ये स्कीम महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। स्कीम का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे स्कीम का नाम है जीवला। स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, जीवला है, ये बात आपको याद रखना है। तो कभी पूछ ले जीवला ऋण स्कीम या जीवला लोन स्कीम किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। किसके लिए शुरू की है, ऐसे कैदी जो पिछले 3 वर्षों से जेल में रह रहे हैं या जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी फैमिली को पढ़ाने के लिए या उपचार यानी कि ट्रीटमेंट या अन्य किसी जरूरत के लिए महाराष्ट्र सरकार उनको 50, महाराष्ट्र सरकार में जो बैंक कार्यरत हैं उनके द्वारा उनको 50,000 रुपए का अमाउंट का लोन अवेलेबल कराया जाएगा। कितना, 50,000 का, जो कितने समय से रह रहे हैं, 3 साल। और इस स्कीम की जो शुरुआत की गई है किस जेल से की गई है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के पुणा में एक जेल बड़ी प्रसिद्ध है, हम लोग इतिहास में भी इसको पढ़ेंगे आगे चल करके, यरवदा जेल। पुणे की यरवदा जेल आप याद रखिएगा, पुणे की यरवदा जेल दोस्तों फेमस है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो इसी जेल में इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है, ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछ ले बताओ जीवला लोन स्कीम की ओपनिंग जो है किस राज्य ने की है, शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो महाराष्ट्र बता देंगे। किस जेल में इसका अनाउंसमेंट किया गया था या किस जेल से इसकी शुरुआत हुई है, तो आंसर आप पुणे की यरवदा जेल का कर देंगे। और कितने साल से अधिक कैदियों को, तो लगभग 3 साल जो सजा काट चुके हैं उनकी फैमिली या उनके लिए यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन अवेलेबल कराया जाए।
अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आप यहाँ से देखेंगे तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइएगा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो हम सब जानते हैं कि दोस्त महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के सीएम इस समय कौन है? उद्धव ठाकरे है। ठीक है, आपसे पूछेगा यहाँ पे डिप्टी सीएम कौन है? अजीत पवार है। और महाराष्ट्र में इस समय दोस्तों गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये नाम हम यहाँ से याद रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी आपके कौन है, इस समय गवर्नर है महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है, आजकल इंटरनेशनल लेवल पे आपके आपने यदि समाचार वगैरह न्यूज वगैरह पढ़ते सुनते होंगे तो वहां सुना होगा कि मोदी जी इस समय विदेशी दौरे पर हैं। और एक अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस चला था जो कभी हुआ था 4 मई 2022 को हुआ था, इसका नाम है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, या आप कहेंगे इसको इंडियन नॉर्डिक समिट। क्या बताएंगे? इंडियन नॉर्डिक समिट। तो इसका आयोजन यानी कि इसको कब शुरू किया गया, तो 4 मई 2022 की बात है। अब इसका आयोजन कहां पे किया गया तो आपसे ये पूछेगा, तो आप बताएंगे कोपेनहेगन। कहां पे? कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। अब इस कॉन्फ्रेंस में या समिट में आपके प्रधानमंत्री के अलावा अन्य कई देशों के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे, जैसे डेनमार्क के पीएम साहब रहे, उनका नाम है मेटे फ्रेडरिकसन। आपके आइसलैंड के पीएम साहब रहे और इनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कैटरिन जैक्स डॉटन। नॉर्वे के पीएम साहब रहे, इनका नाम क्या, जोनास गहर स्टोर। ठीक है, और उसके बाद स्वीडन के पीएम साहब रहे। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे 5 से 6 देशों के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर साथ रहेंगे और यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई थी। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, भारत नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस समिट कुछ भी कह सकते हैं, और इसका आयोजन कोपेनहेगन में किया गया था। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है सुनिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हमसे कि बताएं, गूगल ने अभी हाल ही में भारत में सार्वजनिक नीति का प्रमुख किसे बनाया है। सार्वजनिक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी का चीफ भारत में किसे बनाया गया है, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा अर्चना गुलाटी को। क्या प्रश्न आएगा, आप बताइए गूगल ने सार्वजनिक नीति या पब्लिक पॉलिसी का चीफ किसे बनाया है, हेड किसे बनाया है भारत में, तो नाम क्या है, अर्चना गुलाटी। क्या नाम याद रखोगे, अर्चना गुलाटी। और गूगल की दोस्तों स्थापना एस्टेब्लिशमेंट पूछता है तो आप बताएंगे 4 सितंबर 1998 में गूगल कंपनी बनाई गई थी। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनते हैं। हमसे पूछेगा गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया, और ये कहाँ, यूएसए या अमेरिका में है। आपसे पूछेगा इसके फाउंडर का नाम बता दो, संस्थापक का नाम बता दो, तो आप बताएंगे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। क्या नाम है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये इसके फाउंडर है यानी कि संस्थापक है। और गूगल और अल्फाबेट इन दोनों कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है। आप जानते हैं सुंदर पिचाई इसके वर्तमान में सीईओ है, ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट क्या कहता है सुनना। अगला पॉइंट दोस्त कह रहा है कि हाल ही में भारत और जर्मनी के साथ में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर एक एमओयू साइन हुआ है। तो आप याद रखेंगे कौन सा हमने यहाँ पे एमओयू साइन किया है, तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमने पार्टनरशिप या समझौता किया है। ये क्या है कि हम लोग सोलर एनर्जी का प्रयोग करके भारत में हम विद्युत एनर्जी का प्रयोग कम करके सोलर एनर्जी का प्रयोग ज्यादा करेंगे, जिसमें आपके जर्मनी ने हमको 10 मिलियन यूरो दिए हैं। किसके लिए दिए, कि आप इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, सस्टेनेबल एनर्जी का प्रयोग करें। तो आप याद रखिएगा कि आपसे पूछे भारत को जर्मनी ने 2030 तक हरित परियोजना माने ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए कितना यूरो हमें दिए हैं, तो 10 मिलियन यूरोस हमको दिए हैं। किसने दिए हैं, तो बताएंगे जर्मनी के द्वारा यह बड़ा अमाउंट हमको दिया गया है, और यह बड़ा अमाउंट दोस्तों 2030 तक हमको यानी कि भारत को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जर्मनी के बारे में समझ लेते हैं, हमसे जर्मनी से क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात को भी सुनिएगा। तो
आपसे प्रश्न पूछेगा जर्मनी की दोस्तों राजधानी बताइएगा, तो आपको याद है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्या है दोस्तों? जर्मनी की कैपिटल जो है वो क्या है? बर्लिन है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखो इम्पोर्टेंट रहेगा, जर्मनी शहर जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो आप बताएंगे बर्लिन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्प्री। किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो आंसर कर देंगे स्प्री नदी के तट पे बसा हुआ है। कैसे याद रखोगे? जैसे आपको पता है कि आपके फ्रांस की राजधानी, फटाफट कमेंट करेंगे फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की कैपिटल क्या है बताइए फटाफट से, फ्रांस की राजधानी क्या है फटाफट कमेंट करें, फ्रांस की राजधानी क्या है फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। पेरिस है, बहुत बढ़िया। तो आप जानते हैं कि साहब फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और अब आपसे पूछेगा पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के तट पर बसा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करिएगा पिंटू राठौर, बहुत बढ़िया। सीन नदी के तट पे, तो क्या आंसर कर देंगे आप लोग? सीन नदी के तट पे। तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सीन नदी के तट पे। तो सेम ऐसा ही प्रश्न पूछेगा बर्लिन शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो आंसर कर देंगे स्प्री नदी के तट पे बसा हुआ है। कौन सी नदी है दोस्तों? स्प्री नदी है, ठीक है। अब देखना इनके यहाँ क्या है, पीएम नहीं होते, इनके अपन कहते हैं चांसलर, और चांसलर है यहाँ पे ओलाफ स्कूल्स। ओलाफ स्कूल्स यहाँ के चांसलर है, जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कूल्स है, ये बात आपको याद रखना है, हमसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ की करेंसी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जर्मनी ने भारत को कितने यूरो दिए हैं, तो आप बताएंगे 10 मिलियन यूरो दिए हैं। तो आपने यहीं से याद रखा, यूरो यहाँ की करेंसी बन जाएगी। और यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? बुंडेस्टैग कहते हैं, बुंडेस्टैग कहते हैं। जैसे भारत की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट अर्थात संसद कहते हैं, वैसे जर्मनी की पार्लियामेंट को बुंडेस्टैग कहते हैं। ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा। अगले पॉइंट की यदि बात की जाए तो आप यहाँ से कुछ बातें याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम में हो सकता है कभी पूछी जाए, हमसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन। ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी हाल ही में, मतलब विगत पिछले 3 दशक या पिछले 30 वर्षों में भारत से नहीं बल्कि विश्व से, 30 वर्षों में विश्व से कितना प्रतिशत भूभाग या कितना प्रतिशत हिस्सा जहां से वन पहले हुआ करते थे वो वन अब समाप्त हो गए हैं, वो फॉरेस्ट पूरा समाप्त हो गया है। तो आप बताएंगे लगभग लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर के भाग से वन एकदम फिनिश कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। सोचो आप कि आज से आप देखें पिछले 30 वर्ष के पुराने समय में जाएं तो 420 मिलियन हेक्टेयर में वन यानी कि फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में वन सब फिनिश कर दिए गए हैं। क्यों? बढ़ती आबादी, बढ़ती जरूरतें, इन सब के कारण आपने जंगल को तहस नहस कर दिया गया है, ठीक है। हमने उनका विस्तार करके आपने क्या कर लिया है दोस्तों? हमने वहां पे कई सारे नगर शहर स्थापित कर लिए हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से जंगलों को समाप्त कर चुके हैं। तो समझना कितना बड़ा ये हमने यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि जिससे पृथ्वी पर बड़ी हानि होने वाली है। और दोस्तों वनों का जो कमी है या क्षरण है वो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो जंगलों में आग लगना, इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें माइनर हैं, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अब हम लोगों की वन या फॉरेस्ट पर है। इसी कारण ये 420 मिलियन हेक्टेयर का एरिया हम लोगों ने धीरे धीरे खाली करके उसे अपने उपयोग में ले लिया है, जंगलों का, लकड़ियों का उपयोग हम लोग कर चुके हैं। अब देखो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों पिछले 30 वर्षों में है, और इसमें हमने यदि परसेंटेज वाइज बात करें कि एरिया कितने परसेंटेज वाइज हम लोग इसका खाली कर चुके हैं, तो लगभग 10.30% के आसपास
10.34% के आसपास एरिया या क्षेत्रफल हमने जंगल का खाली कर दिया है, यानी कि वो हम तहस नहस कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है, चिंता का विषय है। कारण क्या है? कारण ये है, यदि जंगल नहीं है तो मनुष्यों का संपन्न होना, मानवता का संपन्न होना उतना ही कठिन रहेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा, यदि धीरे धीरे करके इसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते रहे और जंगलों को तहस नहस करते गए, तबाह करते रहे, तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर के पैर को मारेंगे। समझिएगा, इतनी ज्यादा दुर्दशा हम लोगों की आने वाले समय में होने वाली है। कारण क्या है कि बढ़ती जरूरत है, और कोई कारण नहीं है कि हम बेवजह की जरूरतों के चक्र में पड़े हैं। ये सब बातें आपको याद रखना है। अब देखो अगले पॉइंट को समझते हैं, क्या है? हमें याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा है खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, हमसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, तो आंसर कर देंगे 16 अक्टूबर 1945 1945 में यह अस्तित्व में आया था। दूसरी बात आपसे पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो रोम में है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। दूसरी बात देखेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है दोस्तों कू डोंग यू। क्या नाम है? कू डोंग यू। ये आपके वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है, ये बात हम यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न समझते हैं, अगला करेंट अफेयर्स का फैक्ट समझते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट है अपने पास में दोस्तों कि आपके राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन। इस मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम बदल करके नया नाम रख दिया गया है, महेश नगर होल्ट रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया इसका? महेश नगर होल्ट रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। ये आपको और हमें याद रखना है कि हमसे पूछेगा, बताओ राजस्थान के किस राजस्थान के रेलवे स्टेशन मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, उसका हाल ही में नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, ये बात हमसे पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब पूछेगा राजस्थान राज्य जो है ये कब बना हुआ, कब बनाया गया था, तो आप बताएंगे 30 मार्च 1949। राजस्थान की राजधानी हम सब जानते हैं जयपुर है, कैपिटल क्या है? जयपुर है। और यहाँ के सीएम साहब कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ पे आपको पता है कांग्रेस पार्टी, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सीएम साहब है। राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो बताएंगे कलराज मिश्रा। यहाँ के कौन है? गवर्नर है या राज्यपाल है, ये बात हम यहाँ से याद रख सकते हैं, हमसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट या अगले पॉइंट की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी या एक नई समिति बनाई है, और उसका काम क्या, जरा सुनिएगा कि कुछ लोग बैंक से लोन वगैरह ले तो लेते हैं लेकिन उस लोन को या तो समय पे नहीं करते हैं या फिर कभी पे नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लोन लिया है, कर्ज लिया है, बाद में भरना नहीं चाहते, उनको बैंक डिफॉल्टर घोषित कर देती है। ऐसे डिफॉल्टरों को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी या नई समिति बनाई है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट कमेटी। और इसके नए अध्यक्ष या चेयरमैन कहें किसको बनाया गया है, प्रदीप नंदराज जोग को बनाया गया है। किसको बनाया गया? प्रदीप नंदराज जोग को बनाया गया है। ये बात दोस्तों हमें यहाँ से याद रखनी है, प्रदीप नंदराज जोग हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो डिफॉल्टरों को पकड़ने के लिए कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन कौन है? प्रदीप नंदराज जोग है। अब देखो और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बताएंगे कि हमसे एग्जाम में प्रश्न आएगा सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया गया था, तो आप बताएंगे ये बनाया गया था 1950 में 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी होना चाहिए, ठीक है, चलो इसको देख लेंगे। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो आप बताएंगे एनवी रमन्ना। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइएगा वर्तमान में सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कौन है? एनवी रमन्ना साहब है। और कौन से क्रम के हैं? 48वें नंबर के हैं। कौन से क्रम के हैं? 48वें नंबर के हैं, ये बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट आप याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो 33+1 बताएंगे। 33+1 का मतलब क्या है? 33 तो आपके अन्य न्यायाधीश हो गए, 33 तो अन्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है ना, 33 में अन्य न्यायाधीश आ जाएंगे। और एक आपके कौन हो जाते हैं, एक जो है ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक जो है ये मुख्य न्यायाधीश, एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। तो 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं, एक आपके मुख्य न्यायाधीश है, ये बात याद रखेंगे। अपने देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया थे, एच जे कानिया थे।
दूसरी बात फिर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो मीरा साहिबा, मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये बात याद रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष। तो ये तो दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की सारी बातें हो गई, कल के दिन भर की सारी खबरें, ठीक है ना, चलेगा। अगली बात देखो, अब यहाँ से बात कर लेते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, आपके ब्रिटिशर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, भारत में अंग्रेज लोग आ चुके हैं, इन सब की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। आ जाओ फटाफट, रेलवे के 18 जोन है प्रदीप, रेलवे में कितने जोन है, 18 है। चलें, यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई, क्लियर हो गई या नहीं हो पाई? मैथ, इंग्लिश और बाकी सबकी क्लास कब से है सर जी? अरे सर जी, आपको कल भी बताया था कि धीरे धीरे चल चांद गगन में, क्यों इतनी जल्दी में है? जैसे क्लास चालू होंगी आपको पता चल जाएगा, है ना, थोड़ा सा सब्र और धैर्य रखो। और अभी क्या है, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो आंधी तूफान में आप लोग इसमें मेट्रो भी जोड़ लेते हैं, इसलिए 7+1 यानी कि 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो सब क्लास शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा संयम रखो, बस संयम की जरूरत है हमें अपने जीवन में, और किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलेगा। आगे चलते हैं, है ना। अब आ जाओ के आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, ब्रिटिश सत्ता के बारे में, और ये भारत में इनका दोस्तों जो जलवा है कैसे कायम हुआ, कैसे इन्होंने इतने लंबे समय तक भारत में शासन किया, क्या पॉलिसी रही, तो ये सारी बातें आपको याद करना। कल जो पढ़ाया था, एक व्यापारी भारत में जॉन मिडलैंड नाम का व्यक्ति आया, उसने फिर ब्रिटेन में जाकर के एक कंपनी बनी जिसमें कई सारे लोग, माने 217 लोग पार्टनर थे। और इस समय जब कंपनी बनाई गई तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है और आपके भारत में राजा अकबर है। यहाँ तक की सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आई होगी, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात, अब देखो क्या हुआ। अच्छा, एक बार जरा कमेंट करके ये बता दो कि आपको विजुअलिटी क्लियर आ रही है, आपको विजुअलिटी क्लियर आ रही है, क्योंकि कलर मुझे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब सा लग रहा है, इसलिए आप लोगों से थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा यदि विजुअलिटी क्लियर है, यदि विजुअलिटी क्लियर है तो आगे बढ़ने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ फटाफट से, अब जरा हम इसको शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में किस तरह से हम हल्के हल्के दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे ज्यादा भारी भी नहीं दिखना है, आप लोगों को बस बात बात की चीजें क्लियर दिखती रहे, ये जरूरी है ना, चलिएगा। तो देखो, अब मैंने कल ये बताया कि आपने ब्रिटेन में बढ़िया शानदार सी कंपनी बनवा दी है और वो कंपनी अब तैयार है भारत में व्यापार करने के लिए। अब वो कंपनी जब तैयार है भारत में व्यापार करने के लिए, तो अब समझना बात को, तो अब ऐसा ही तो नहीं है कि कोई भी कंपनी उठ के भारत में आ जाएगी और व्यापार करने लगेगी। क्यों? क्योंकि भारत में और भी तो राजा महाराजा चल रहे हैं, उनका भी तो एम्पायर बना हुआ है, उनका भी तो अपने आप में एक साम्राज्य है, तो उनसे कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की बड़ी दुविधाएं हैं अभी बाद बाकी जो आपके व्यापारी वर्ग के व्यक्ति उनके लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये किया कि एक व्यक्ति को तैयार किया और उस व्यक्ति को वो ट्रेंड करेंगे, हर एक भाषा सिखाएंगे। अब उस व्यक्ति को दोस्तों वो हर एक भाषा सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, वो व्यक्ति परफेक्ट होगा हर क्षेत्र में। अब समझना, ये व्यक्ति भारत में आएगा कौन है, तो इसका सबसे पहले हम लोग नाम याद रखेंगे, इनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। इसका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस को अभी हम लोग ब्रिटेन में समझने के लिए लिख दे रहा हूं,
अभी हम लोग कैप्टन हॉकिंस को ब्रिटेन में बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, तैयार करेंगे। और कैसा तैयार कर रहे हैं जरा बात को समझना, कैसा तैयार कर रहे हैं इस बात को जरा समझिएगा कि इनको आप याद रखेंगे। कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा सिखाई गई, फारसी भाषा सिखाई जाएगी। क्यों सिखाई जाएगी फारसी भाषा? इसलिए सिखाई जाएगी क्योंकि ये अब कुछ समय बाद भारत में आने वाले हैं। ये आपका कैप्टन हॉकिंस भारत में आने वाला है, और आपको दोस्तों पता है कि भारत में इस समय जो रूलर एम्पायर है वो मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है। मतलब इस समय वर्तमान में भारत में कौन सा राजवंश शासन कर रहा है? तो आप आंसर करेंगे कि सर इस समय मुगल एम्पायर भारत में शासन कर रहा है। समझिएगा बात को। तो अब मुगलों की जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, अब इस समय मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो आंसर कर देंगे उसका नाम है फारसी। तो मैं ये पॉइंट इस तरफ यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि इस समय भारत में मुगल शासन चल रहा है, मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य इस समय वर्तमान में संचालित है यानी कि कार्यरत है, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि इनकी जो राजकीय भाषा है, तो दोस्तों इनकी राजकीय भाषा कभी पूछेगा तो जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तब तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए याद रख लो फारसी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? फारसी है। ये पॉइंट हमें याद रखना, आसानी से याद रख पाएंगे कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, तो अब एक बात बताओ, जब मुझे आप लोगों से बात करनी हो तो मुझे वो भाषा आनी चाहिए जो आप समझ पाए, और पता चले कि आप, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे और आपको हिंदी समझ नहीं आती, आपको कोई दूसरी भाषा आती है, तो फिर हम लोगों का कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा उतना बेहतर जितना होना चाहिए। तो अब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं? ब्रिटिशर्स दोस्तों ये चाह रहे हैं कि भारत में उनका ट्रेडिंग शुरू हो जाए, भारत में व्यापार शुरू हो जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उस समय के जो करेंट में जो वहां के रूलर होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, भारत में उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। जब भारत में उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, जब परमिशन मिल जाएगी व्यापार के लिए, तो परमिशन लेने के लिए किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने किसको भेजा? तो आप बताएंगे कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस को जब भेजा गया, तो आपसे पूछेगा ये भारत कब आया? तो आप अगले पॉइंट में याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस 1608 में, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत आया। आपसे एग्जाम में ये कई बार पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था, तो 1608 1608 बता देंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष रहेगा आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के हिसाब से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे समझिएगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, फिर हमसे प्रश्न पूछेगा कि बताएं कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था उस समय भारत का राजा कौन था। कौन सा रूलर या शासक था? तो अब आप क्या आंसर करोगे फटाफट कमेंट करके बताओ, आपका क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट करके बताओ। तो प्रदीप का आंसर आया है जहांगीर है। चलो देखते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, मौसम के आनंद लो, है ना। अब देखो कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था उस समय जो रूल कर रहा है मुगल एम्पायर का, मुगल डायनेस्टी का जो रूलर है इसका नाम क्या है दोस्तों? जहांगीर है। अब देखना दो प्रश्न आपके लिए तैयार हो गए, यहाँ से दो क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए तैयार हो गए। कौन कौन से हो गए? तो समझिएगा कि एक प्रश्न तो ये बन गया, हमसे एग्जाम में पूछेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी
जब बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी तब उस समय भारत में शासन कौन था, उस समय भारत में शासक या रूलर या राजा कौन था, भारत में शासक रूलर या राजा कौन था, तो ये प्रश्न पूछता है। तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या आंसर है? अकबर, सॉरी, हाँ सही है, अकबर। इस समय कौन राजा था? अकबर राजा था। तो ये जैसे आपने यहाँ पे अकबर को याद रखा है, वैसे ही हमें यहाँ पे जहांगीर को याद रखना है कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत में बिजनेस के पर्पज से आता है, व्यापार की परमिशन के लिए आता है दोस्तों, तब इस समय भारत में राजा है कैप्टन हॉकिंस के समय में जहांगीर। अब कुछ विद्वान या कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि जहांगीर जो है, ये जहांगीर थोड़ा सा अच्छा राजकुमार तो है, प्रिंस तो है, आगे चल के ये रूलर बना, शासक बना, राजा बना। ये इसकी जो आदतें थी, इसका जो स्वभाव था, वो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं नशे वगैरह की इसको लत थी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार लोग बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जब इससे मिलने के लिए आया, तो जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस आया, तो कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच में जो वार्तालाप है या जो बातचीत हुई, वो फारसी भाषा में हुई। और ये सब देख करके, फारसी भाषा में बातचीत करने के बाद में जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक विदेशी या एक विलायती आदमी, विलायती मतलब विदेशी, ठीक है, जो विलायत से आया है, एक विलायती व्यक्ति फारसी भाषा में बात कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तब आपके जहांगीर ने कुछ उपाधि से सम्मानित किया, और वो किसको किया, तो आप बताएंगे, आपके कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया। अब वो उपाधि कौन कौन सी है, तो इनको जरा समझ लेते हैं। तो आप बताएंगे, यहां से आप याद रखेंगे, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। अब हमसे कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए कि बताइएगा कि किसको 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो आप बता देंगे कि ये आपका जहांगीर है जो क्या कर रहा है, इसने 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब इंग्लिश खान की उपाधि क्यों दी, ये और समझ लो, क्योंकि वो बड़ा प्रसन्न हुआ, जहांगीर बड़ा खुश हुआ ये सुनकर के कि ये व्यक्ति हमसे फारसी भाषा में बातचीत कर रहा है, ठीक है। और कुछ विद्वान ये भी बताते हैं इसके बारे में कि जब ये कैप्टन हॉकिंस आया, तो वो ऐसी बहुत सारी गिफ्ट या ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर के आया जो जहांगीर को अत्यधिक पसंद थी। अब एक बात बताइएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, एक उदाहरण के तौर पर बात की जाए, कि आपको अपना काम किसी व्यक्ति विशेष से निकलवाना है या करवाना है, तो हम उसके पसंद नापसंद का ध्यान रखेंगे कि नहीं। तब एक गाना मुझे याद आता है कि तुमको जो हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम कहो दिन तो रात कहेंगे, ठीक है, दिन को दिन, रात को रात, जैसा कहो वैसा कहेंगे। तो अब कैप्टन हॉकिंस भी सेम उसी प्रकार से माइंड सेट करके आता है और ये करता है कि जहांगीर को क्या क्या पसंद है, क्या क्या चीजें उसको अच्छी लगती है, वही सारे काम भारत में आकर के करेगा। क्यों, एक बात समझ में नहीं आई कि ये कैप्टन हॉकिंस ऐसा क्यों करेगा। तो अब आपको एक बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस भारत में इसलिए आया है क्योंकि वो अपना यहाँ पे व्यापारिक सेंटर बनाना चाहता है, एक व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता है, उसके लिए परमिशन चाहिए कि नहीं। और आपके यदि संबंध, आपके संपर्क, आपके रिलेशन यदि किसी राजा से इतने बेहतर हो जाते हैं, तो आपको किसी परमिशन की क्या आवश्यकता पड़ेगी।
तो यही हुआ कि आपके जहांगीर और इनके बीच में, कैप्टन हॉकिंस के बीच में इतनी शानदार मित्रता हो गई, इतनी शानदार फ्रेंडशिप बन गई कि जिसका कोई तोड़ नहीं, मतलब बेजोड़ फ्रेंडशिप। अब जब बेजोड़ फ्रेंडशिप बनी तो इसके साथ आप यहां से एक बात समझ लो, अब यहां से एक बात समझिएगा कि ऐसी स्थिति में अब कैप्टन हॉकिंस ने ब्रिटेन में एक संदेश या एक मैसेज भिजवाया और भारत में इन्होंने अपना ट्रेडिंग शुरू कर दी और भारत में व्यापार शुरू कर देते हैं। ये बात आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ से जैसे बात की जाए, यहाँ से यदि बात की जाए कि अब आपको एक बात समझना है छोटी सी कि अब अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र सूरत में बना दिया। व्यापारिक केंद्र कहाँ बना दिया दोस्तों? सूरत में बना दिया। तो आपसे कभी पूछेगा कि बताएं कि हमने, माने अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सर सूरत में बनाया था। कहाँ पे? सूरत में। और वही ऐसा प्रश्न आ जाए कि बताएं पोर्टुगीज या पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कोच्चि में बनाया था। ये सारी बातें यदि आप याद करोगे तो आपको सुनी सुनी सी बातें लगेंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ ही चुके हैं वास्तुकला में। अब देखो कि आपको यहाँ से क्या क्या बातें पॉइंट याद रखना है। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम है, 1608 में जब ये कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था, और कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया, ठीक है, क्योंकि सूरत आपका कोस्टल एरिया है। जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा भी जैसा आपको बताया था, ठीक है। उसने बादशाह से फारसी भाषा में बातचीत की, बादशाह कौन है? जहांगीर है, वो शासक है, जिससे प्रसन्न होकर के फारसी भाषा में बात की, जिससे प्रसन्न होकर के इसने 400 मनसब और इंग्लिश खाने की उपाधि इसको दी। किसे दी? कैप्टन हॉकिंस को दी। यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दोस्तों आप कुछ पॉइंट और यहाँ से याद रखने वाले हो, क्या क्या है जरा समझते हैं। अब इसके बाद इनका भारत में व्यापार व्यापार सब कुछ चलने लगा बहुत बेहतर तरीके से। एक पॉइंट हम थोड़ा सा और यहाँ से याद रख लेते हैं कि कैप्टन हॉकिंस के बाद में दूसरा ब्रिटिश यात्री जो भारत आया, ब्रिटिश यात्री जो भारत आया इसका नाम आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे दोस्तों इसका नाम है सर थॉमस रो। तो आपको दोस्तों ये बात याद रखना है, सर थॉमस रो जो है ये ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो आपके कैप्टन हॉकिंस के बाद भारत आए थे। तो आप अच्छे से यानी कि सरलतम तरीके से याद रख लेंगे कि बताइएगा कि कैप्टन हॉकिंस के बाद में भारत में कौन सा दूसरा व्यक्ति आया था, तो आंसर क्या कर देंगे दोस्तों? सर थॉमस रो भारत आया। तो ये बातें आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट रहेंगी, हमसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब तो आपको क्या याद रखना है कि ब्रिटेन से दो व्यक्ति भारत आते हैं, दो व्यक्ति, या आप इनको राजदूत कह सकते हैं, ठीक है, दो राजदूत कह सकते हैं। और इनके नाम क्या क्या याद रखेंगे? इनके नाम याद रखने वाले हैं सर थॉमस रो। और आपसे पूछेगा ये भाई साहब कब आए थे, तो ये भाई साहब आएंगे 1608 में, और दूसरे भाई साहब कब आए थे, तो छोटे भाई साहब आए 1615 में, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 और आपके सर थॉमस रो है आपके 1615 में, 1615 में। इतनी सी सरल सी सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बोलो आ रही हैं या नहीं आ रही, फटाफट से कमेंट करके बता दो सारी बातें क्लियर हो गई अपने को या नहीं हो पाई, ठीक है।
नहीं ये तो बाद में आएगा, 1608 से 1615 उसके बाद फिर एक क्रम बन गया था लोगों के आने का, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद आपने यहां तक की सारी बातें क्लियर कर ली हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में धीरे धीरे करके अपने यहाँ शासन की व्यवस्था, इन अभी तो व्यापार पे फोकस है, व्यापार ही कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, अपने भारतीय राजनीति में दखलंदाजी करना शुरू कर दी। इंडियन पॉलिटिक्स में भी वो क्या करने लगे, थोड़ा सा शामिल हो गए या अपने कुछ प्रयास करने लगे। इसी बीच में देखेंगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉब चारनॉव, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, याद रखेगा कि 1698 में एक नाम याद रखा, जॉब चारनॉव। तो जॉब चारनॉव ने क्या किया, अजीम उस शान से एक जगह ले ली और उस जगह का नाम था कलिकाता। इस जगह का नाम क्या था, कलिकाता। तो अब आप यहाँ से एक सरल तरीके से याद रखेंगे, कि आपसे कभी प्रश्न पूछे बताएं कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर कलकत्ता शहर की स्थापना जो व्यक्ति जिसने की उसका नाम है जॉब चारनॉव। क्या बताओगे दोस्तों, उसका नाम बताएंगे जॉब चारनॉव, इसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और दूसरी बात समझना, कलकत्ता शहर पहले दोस्तों था ही नहीं, तो कलकत्ता की जगह पे क्या था, तो आप बताएंगे कि सर कलकत्ता की जगह पे तीन छोटे छोटे अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, इन तीन छोटे छोटे प्रांतों को एक साथ मर्ज करा दिया, और जब इनको एक साथ मर्ज कराया तब जाकर के 1698 में वो कलकत्ता बना। अब जरा समझना कि यहाँ पे तीन छोटे छोटे शहर या नगर हुआ करते थे, एक का नाम है कोलिकाता, दूसरे का नाम है सुतनाती, अगला जो शहर है इसका नाम कहीं कहीं गोविंदपुरी या कहीं कहीं गोविंदपुर है, तो आप तो गोविंदपुर याद रख लो या गोविंदपुरी जो ठीक लगे उसे आप याद रख लो। तो आपने याद रखा कोलिकाता, सुतनाती और गोविंदपुर, ये तीन शहर को एक साथ मर्ज करके मिला करके आपके जॉब चारनॉव ने एक शहर बना दिया और इस शहर का नाम रखा जाएगा कलकत्ता। और अब यहां से समझो कि अंग्रेजों ने कलकत्ता पर धीरे धीरे करके क्या किया कि इसने अंग्रेजों ने इसको अपना सेंटर बनाना शुरू कर दिया। अब यहां से हमने याद रखा कि अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी और साथ ही साथ में यहां पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन बना, तो आंसर कर देंगे चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया था। ये बात आप यहाँ से याद रखो, कलकत्ता और कोलकाता में कुछ अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कलकत्ता पुराना नाम है, अभी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं 1798-1700 में, इस समय हम लोग कलकत्ता ही कहेंगे, आधुनिक यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग कोलकाता या कलकत्ता कहते हैं, समय के साथ में नाम बदलते गए, ठीक है, ऐसे समझो, और कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, कलकत्ता कहो कोलकाता कहो कलकत्ता कहो एक ही बात है, सारी चीजें एक ही है, समय के साथ में नाम में दोस्तों परिवर्तन आता है, ठीक है, चलेगा। अब देखो आपने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो आपने बताया जॉब चारनॉव ने की, और आपसे पूछेगा कलकत्ता में कितने शहर एड कर दिए गए, मर्ज करवा दिए, तीन शहर, गोविंदपुर, सुतनाती और आपका कोलकाता। फिर पूछेगा कि बताएं फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया, फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था, चार्ल्स आयर था। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो थोड़ा सा आगे, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको क्या मिलने वाला है इनके पास दोस्तों, थोड़े से समय में चलेंगे, फिलहाल लौट के फिर आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग फ्रांसीसी को बाद में पढ़ेंगे,
पहले थोड़ा सा इनके बारे में और चर्चा हो जाए, आज इनको कंप्लीट कर देंगे, फिर कल बात करेंगे फ्रांसिसियो की, ठीक है? चलिए चलो सुनते हैं भाई अगली क्या कहानी है। अगली कहानी यह है कलकत्ता की स्थापना करवा दी गई है, और अब यहां से आप थोड़ा सा समझें और हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं और इससे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये है अपने पास में आपका प्यारा सा सुंदर सा भारत, ये है दोस्तों अपना प्यारा सा सुंदर सा भारत, आज का ही है याद रखना, उस समय का तो नहीं बना रहे हैं, ये आज का आपका भारत देश बन गया, आप इमेजिन कर सकते हैं ये अपना देश, ठीक है? अब अपना देश दोस्तों बन तो गया, अब आपको पता है सारी चीजें, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये सब कुछ आपको पता है। अब एक बात और समझ लें छोटी सी, क्या कि अपने पास में पहले यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र अपना था, अपने पास उस समय यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा क्षेत्र अपने पास था, ये हम हमारा पुराना भारत है, ये वही भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, ये वही भारत है, मतलब नया भारत है, ठीक है? अब जरा यहां से समझने की कोशिश कर लो थोड़ी थोड़ी। अब आपने क्या देखा कि अंग्रेज दोस्तों यहां तक पहुंच गए थे, कलकत्ता में तो आई गए, ठीक है? अंग्रेज आपके कलकत्ता में तो आई गए हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं, अंग्रेज कलकत्ता में पहुंच चुके हैं, तो अब इन्होंने कलकत्ता में अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी, कलकत्ता में ही अंग्रेज अपने सारे हेडक्वार्टर सारी चीजें बनाएंगे, इसीलिए देश की आरंभिक राजधानी जो है भारत की वो कलकत्ता बनी। ये पॉइंट आपको याद करना है, रटना है, क्या कि भारत की पुरानी राजधानी क्या थी, भारत देश की, भारत की रहे, भारत की पुरानी राजधानी, पुरानी राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारे देश की पुरानी राजधानी दोस्तों कलकत्ता हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी, ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। अब कलकत्ता पुरानी राजधानी है क्योंकि अंग्रेजों ने अपना सेंटर कहां बना लिया था, कलकत्ता में बना लिया था। अब कलकत्ता से धीरे धीरे करके अंग्रेज लोग बंगाल को जीतेंगे, तो ये आपको आगे हम जितवाएंगे, ठीक है? उसकी टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये है एक क्षेत्र जिसका नाम है दोस्तों मद्रास, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है मद्रास। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अब अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को लीज पर ले लिया, अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को लीज पर ले लिया, मद्रास को अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया, ठीक है? किस पे ले लिया, लीज पर माने किराए पर या पट्टे पर ले लिया, ठीक है? दूसरी बात समझना, अब इन्होंने यहाँ पे मद्रास को लीज पे तो ले लिया, अब आप दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ का एक प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था, इसका नाम है बंबई। बंबई पे राज कौन करेगा, बंबई किसको चाहिए, ये कौन बताएगा, बंबई कौन, अरे वो सब बताएंगे, काहे को टेंशन ले रहा है, नई पुरानी सब बता देंगे, जैसे पुरानी बता दी नई बता देंगे, क्यों बदली क्या कारण था। तो अब बंबई किसको चाहिए, बंबई पे कौन शासन करेगा, तो अब जरा समझ लो यहाँ से, अब अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला, अब यहाँ से एक आपसे कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे, अंग्रेजों को अच्छा, अब आपके मन में बात आ सकती है कि सर इसका नाम आप बंबई क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि इसका पुराना नाम बंबई है, फिर बॉम्बे बना और फिर मुंबई बना, बंबई से बॉम्बे, बॉम्बे से मुंबई, इस तरह से इसका नाम रखा गया। तो आप याद रखें कि अंग्रेजों को बंबई किस तरह से प्राप्त हुआ,
किस तरह से प्राप्त हुआ, किस तरह से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों हमारा आंसर बन जाएगा ये इनको मिला दहेज में, ये इनको मिला दहेज में, किसमें मिला था, दहेज में। और किस से मिला था, तो दहेज किसने दिया था, पुर्तगालियों ने, पोर्टुगीज ने, पुर्तगाली से, पोर्टुगीज से मिला था दहेज में। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमसे कभी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे कि बताओ कि आपके अंग्रेजों ने कलकत्ता बंगाल को कैसे जीता, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अंग्रेजों ने मद्रास कैसे ले लिया, लीज पर, पट्टे पर ले लिया, और अंग्रेजों को बंबई किस तरह से मिली, या बंबई किस तरह से अंग्रेजों को प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे ये इनको दहेज में मिल चुकी थी या दहेज में मिली थी, इतनी सी बात आप याद रखो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ पाई या नहीं आ पाई, फटाफट एक बार जरा कमेंट सेक्शन में आ जाओ सभी वीर जवान को। यदि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है तो हम चलेंगे सीधे आपको फ्रांस लेकर के चलेंगे, और फ्रांस में ये सारी चर्चा करेंगे। फटाफट से जरा एक बार कमेंट करके बता दो एवरीथिंग इज ओके। सारी चीजें सबको क्लियर है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। हाँ बताएंगे पुर्तगाली ने क्यों दिया, ये कहानी है आपको कल बताई जाएगी, चिंता नहीं करो सब बताया जाएगा, सबको क्लियर है। चलिएगा, जब आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो कल हम लोग बात करेंगे फ्रांस के बारे में पढ़ना, कि जो फ्रांस से फ्रांसीसी आए, इन्होंने भारत में क्या इनकी पॉलिसी रही, किस तरह से ये आए और चले गए, या भारत छोड़कर के कब जाएंगे, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड की चर्चा हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।